सो हे गाइस, आज अपन बात करने वाले हैं ऐसी टॉप 3 बाइक्स के बारे में जो कि 160 सीसी सेगमेंट में है, और इन बाइक को आप अपने अकॉर्डिंगली जो है ले सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जो है ले सकते हैं। पर अब आप लोगों को अगर मैंने ये 3 बाइक बता दी तो आप लोग बोलेंगे कि मेरी तो ये नीड है, मुझे कौन सी लेनी है, तो फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। दैट्स वाई एक एक बाइक को एक एक नीड के हिसाब से एक एक अपना अपना सेगमेंट बना के जो है मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेगमेंट रखा है मैंने वो रखा है स्पोर्ट्स पर्पज़ के लिए। अगर आपको लेनी है एक स्पोर्ट्स बाइक या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन 160 सीसी सेगमेंट में, तो जो सबसे पहली बाइक है वो है टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V ABS। इस बाइक को आप ले सकते हैं अगर आपको 160 सीसी में बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए। तो इस गाड़ी के अंदर आपको जो है 160 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 16.8 पीएस की पावर 14.8 एनएम ऑफ टॉर्क के साथ में जनरेट करता है, और 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलता है। इस गाड़ी के अंदर सेगमेंट में दूसरी बाइक से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस और ड्राइविंग जो है देखने को मिलती है। राइडिंग पोजीशन भी इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, टायर्स की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग बाइट्स भी काफ़ी अच्छी है, और इस गाड़ी की जो मेंटेनेंस है वो भी काफ़ी कम है, और जैसी परफॉर्मेंस है उस हिसाब से माइलेज भी काफ़ी अच्छा जो है देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए, मतलब आपकी नीड ऐसी है कि मुझे परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, तो उस वजह से अगर आप लोगों को बाइक परचेस करनी है तो अपाचे आरटीआर 164 भी आप ले सकते हैं। ABS के अंदर ये बाइक अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता ABS में प्राइस वगैरह क्या है, कब आई थी, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस बाइक की जो रिलेटेड जो है उस वीडियो के अंदर मैंने बताई भी है, वॉक अराउंड रिव्यू भी दिया है। तो रिव्यू अगर आपको देखना है अपाचे 160 ABS का तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। उससे पहले एक चीज़ बता दूं, अगर इंस्टाग्राम पे आप लोग ज्वाइन नहीं है तो जाके ज्वाइन हो जाइए। सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। वहाँ पर भी एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है, जहाँ पर आप लोग जो क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर मैं Q&A वीडियो के अंदर जो है करता हूँ हर संडे। तो जो नेक्स्ट बाइक है वो सेगमेंट रखा गया है एक ऐसी बाइक जिसके अंदर स्पोर्ट्स बाइक का DNA भी हो और साथ ही साथ ही एक फ्रंट टू राइट कम्यूटिंग मशीन हो। तो इस पर्पज़ के लिए जो बाइक रखी है मैंने वो है होंडा की हॉर्नेट। ये बाइक साथ ही साथ फ्रंट टू राइट तो है, और इस गाड़ी के अंदर स्पोर्ट्स DNA भी आपको देखने को मिल जाता है। वो इस टाइप से देखने को मिलता है कि अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे क्रूज़ करते हैं तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है, और सिटी में भी अगर इस बाइक को आप चलाना चाहते हैं तो आप इजी वे में इस बाइक को जो है कहीं पर भी ले जा सकते हैं, चलाने में आपको मज़ा आता है। इजी टू यूज़ मशीन जो है इसे कहा जाता है, और जैसा कि अपना एक्सपीरियंस है हॉर्नेट को लेके जो फीडबैक आता है मेरे पास में, वो लोग काफ़ी खुश हैं, सेटिस्फाई हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी अगर बाइक लेनी है तो हॉर्नेट को आप ले सकते हैं। 162 सीसी का इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलता है, और 14.9 bhp की पावर 14.5 nm ऑफ टॉर्क के साथ में 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल्स काफ़ी अच्छी है, ABS अवेलेबल है, सिंगल चैनल रियर में डिस्क ब्रेक आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, और सीटिंग पोजीशन भी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो ये अगर आपका रीज़न है कि आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जहां पर अगर आप हाईवे पे भी राइड करना चाहते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है तो भी आप ले सकते हैं, और सिटी में आपको डे टू डे राइड के लिए यूज़ लेना है तो वहाँ पर भी ये गाड़ी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है आपको देती है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट की तरफ। यहाँ पर जो कमेंट सबसे ज़्यादा आती है, फैमिली बाइक कौन सी है वो बता दो, जहाँ पर अपने बच्चे को लेके साथ ही साथ अगर अपनी वाइफ बैठे या आपकी मम्मा अगर ट्रेवल करें आपके साथ तो उनके लिए भी जो पिलियन कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाए, माइलेज भी अच्छा मिल जाए, और एक बाइक भी ऐसी हो जिसका लुक भी जो है काफ़ी अच्छा हो। तो इसके लिए मैंने सेलेक्ट करी है होंडा की X-Blade 160। इस बाइक के अंदर आपको 13.9 bhp की पावर 13.8 nm ऑफ टॉर्क के साथ में 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है। लुक काफ़ी अच्छा है, और इस बाइक की सबसे अच्छी एक खास बात ये लगती है कि जो टॉल राइडर है 6.2 6.4 उनके लिए भी बाइक काफ़ी सूटेबल है, वो भी इस बाइक को जो है आराम से राइड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी फैमिली बाइक चाहिए जिसमें आपकी मम्मा या आपकी वाइफ जो क्रॉस में बैठते हैं वो भी जो है कंफर्टेबली जो है बैठ के राइड कर पाए, तो इस बाइक को आप जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ माइलेज की भी यहाँ पर आपको नीड लगेगी, तो माइलेज भी इस बाइक के अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है सेगमेंट की दूसरी बाइक्स से। तो गाइस 160 सीसी में आपकी क्या नीड है उसके अकॉर्डिंगली इन तीनों बाइक्स में से जो है आप अपने लिए एक बाइक को चूज़ कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि NS160 को छोड़ दिया या जिक्सर को छोड़ दिया, तो जिक्सर अपडेट होने वाली है, NS160 में अभी तक ABS नहीं आया है। अगर ABS आ जाता है NS160 में बाद में जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो अभी ये अवेलेबल नहीं है। 160 में ABS जब आ जाता है NS160 में तो उस बाइक को आप ले सकते हैं अपाचे आरटीआर 160 की जगह। सो गाइज ये थी डिटेल 2019 160 सीसी सेगमेंट की बाइक्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो, और सोशल मीडिया पे भी आके आप ज्वाइन हो जाइए ताकि सभी अपडेट्स आपको जो है देखने को मिल जाए, और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अदरवाइज आप रोज़ मेरी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ जो है कार्स बाइक स्कूटर्स के रिव्यूज़ वगैरह जो है मिस कर देंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, कल तक की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और हाँ फ्रेंड्स ड्राइव सेफ।
Thank you.